आरोग्य जागृति। दर्शकों, आज आरोग्य जागृति की टीम मेडिकवर हॉस्पिटल में आ चुकी है, जो एमजीएम के पास ही में है। औरंगाबाद शहर के लिए काफ़ी गर्व की बात है। पूरे सुविधा के साथ में औरंगाबाद शहर वासियों के लिए, ज़िले के लिए पूरी सुविधा यहां पर उपलब्ध है। हम जानना चाहेंगे यहां पे मेडिकवर हॉस्पिटल में कितने बेड्स है, कौन सी सुविधा है, कौन से स्पेशलिस्ट है, इसके बारे में डॉक्टर विशाल सर से हम जानना चाहेंगे क्या मेडिकवर कवर हॉस्पिटल में मिलने वाली सुविधा के बारे में। चलिए दर्शकों, आप जान लीजिएगा, मेडिकवर हॉस्पिटल औरंगाबाद शहर में काफ़ी ज़ोरों से शुरू हो चुका है। पूरी सुविधा के साथ में एडवांस इक्विपमेंट्स है, एडवांस मशीनरी है और काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट यहाँ पे उपलब्ध है। चलिए डॉक्टर विशाल सर से बात करेंगे क्या मेडिकवर में होने वाली सुविधा के बारे में। डॉक्टर विशाल सर, आपका आरोग्य जागृति में स्वागत है। नमस्कार, आप सबका, आरोग्य टीम का स्वागत है मेडिकवर हॉस्पिटल में। मैं डॉक्टर विशाल कुटे, मैं यहाँ पे ऑपरेशंस देखता हूँ और मेडिकवर हॉस्पिटल इज़ अ ब्रांच ऑफ यूरोपियन चेन, जिसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस है। इंडिया में अभी अप्रोक्सीमेटली 20 ब्रांचेस के साथ मेडिकवर हॉस्पिटल है और लास्ट 3-4 महीने से हमने औरंगाबाद में मेडिकवर हॉस्पिटल का ऑपरेशन स्टार्ट किया है, जो कि 100 बेडेड फैसिलिटी है, जिसमें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। सारी स्पेशलिटी हमने कवर की है अभी तक, जिसमें नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, उसके बाद स्पाइन सर्जरीज, ऑर्थो सर्जरीज, मेडिसिन, इंटेंसिव एंड क्रिटिकल केयर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, गैस्ट्रिक सर्जरीज, ये सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़ है, ये अभी यहाँ पे फुल फ्लेश चालू हो गई है। सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है, वी हैव बेस्ट ऑफ आर्ट फैसिलिटी, इक्विपमेंट्स और मेडिकल एंड नर्सिंग टीम यहाँ पे जो 24 आवर्स सर्विस दे रही है। लास्ट 2 महीने से हमने कोविड के पेशेंट्स लेना भी यहाँ पे चालू कर दिया था। इनिशियली हमने 35 बेड्स का सेंक्शन लिया था कॉरपोरेशन से, जिससे 35 बेडेड हमने किया। आगे चल के सिटी की कोविड की जो पेशेंट्स का ट्रेंड था राइज, उस हिसाब से कलेक्टर ऑफिस के ऑर्डर के हिसाब से हमने 50 बेड्स उसमें और ऐड करवाए और हम लोग अभी करीबन 80-85 लोगों को, कोविड पेशेंट्स को यहाँ पर सर्विस दे रहे हैं और पेशेंट्स भी हैप्पी है, अच्छे फीडबैक आते हैं। कुछ स्कोप ऑफ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट भी है, जिस पे भी टीम 24 आवर्स वर्किंग कर रहा है और जिस पे इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर विशाल सर, जैसा मेडिकवर में बताया गया है, क्या कोई योजना के बारे में आपने कुछ यहाँ पे कौन सी योजना होती है, जैसे महात्मा ज्योतिमा फुले या कोई इंश्योरेंस कंपनी की योजनाएँ आपसे लागू है? सर, अभी ऑपरेशन स्टार्ट हुए 3 महीने, हमने अप्लाई इंश्योरेंस कंपनीज कैशलेस TPA को कर दिया है। मोस्ट ऑफ द औरंगाबाद के कॉरपोरेट्स को भी हमने टाई अप कर लिया है। कुछ इंश्योरेंस कंपनी ऑन बोर्ड ऑलरेडी आ गई है, कुछ इंश्योरेंस कंपनी एक 10-15 दिन या महीने भर के अंतराल में वो भी टाई अप हो जाएगा फर्स्ट फेज में। योजना अभी फर्स्ट फेज में कंसिडर नहीं थी, सेकेंड फेज में जो भी मैनेजमेंट सोचेगा, योजना जो भी गवर्नमेंट के है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे ऑन बोर्ड लिया जाएगा और कैसे उसका जेलअप किया जाएगा करंट एग्जिस्टिंग बेड के कैपेसिटी के साथ, वो अंडर कंसिडरेशन ऑलरेडी डे 1 से है। डॉक्टर विशाल सर, अभी मेडिकवर हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी फुल इक्विपमेंट है, तो आम आदमी इस हॉस्पिटल में आने के लिए कतरा रहा है। बहुत से पेशेंट के रिश्तेदारों में चर्चा हो रही है कि यहाँ पे काफ़ी पैसा लिया जाता है। अभी कोविड सेंटर के बारे में जैसा बताया आपने, कोविड सेंटर भी अपने पास है और कोविड सेंटर गवर्नमेंट के मतलब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से पेमेंट लेना चाहिए, लेकिन कुछ पेशेंट का जो सी तकरार होती है, उस प्रकार की तकरारें आपके बारे में आ रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहें? सर, अगर हम लोग देखें कि हमारे जितने भी बेड्स हमने सैंक्शन करवाए हैं, गवर्नमेंट का जो रूल है 80-20% का, हम लोग 100% श्योर है कि जितने भी पेशेंट जा रहे हैं सर, फीडबैक अच्छा ही आ रहा है। जो रेट्स है, जो चार्जेस हम लोग लगाते हैं, वो गवर्नमेंट के हिसाब से जो पेशेंट को बेड अवेलेबिलिटी है 80% कोटा में, उनके चार्जेस जो बिल बन रहा है वो एज़ पर गवर्नमेंट SOC ही बन रहा है। वार्ड के लिए 4,000 रुपये,
आईसीयू के लिए 7,500 रुपये, आईसीयू विद वेंटिलेटेड बेड 9,000 रुपये से। तो जितना भी गाइडलाइंस है वो 100% फॉलो हो रही है और पेशेंट का जो टिकट साइज़ है वो भी काफ़ी कम है। यह है कोविड का बात। नॉन कोविड में भी अगर हम लोग बात करें सर, तो हमारा जो हॉस्पिटल का एसओसी है वो टाउन के हिसाब से अभी तक बेस्ट एसओसी है, जिसमें हम लोग अप्रोक्सीमेटली वार्ड के लिए चार्ज कर रहे हैं 2,500 रुपये, जिसमें कंसल्टेशन फीस, बेड चार्जेस और फुल मील, जो 9 टाइम का मील है, सुबह आपके चाय कॉफ़ी से लेके रात के 9 बजे के दूध तक, जिसमें नर्सिंग चार्जेस भी इंक्लूडिंग है, वार्ड डॉक्टर्स के भी चार्जेस इंक्लूडिंग है। तो एज पर हम लोग देखा जाएंगे एसओसी के हिसाब से तो काफ़ी कंपेटिबल सिटी के कंपेरेटिवली रेट्स है। तो ये जब पेशेंट आके एक्सपीरियंस करके जा रहा है बाहर, तब उनको समझ रहा है कि नहीं, ये दिस इज़ आवर हॉस्पिटल, दिस इज़ लाइक एन फैमिली। तो ये उनका अभी माइंडसेट बन रहा है, लोग अपने रेफरेंस के फैमिली, रिश्तेदार और सबको रेफरेंस कर रहे हैं, लोग फिर से रिपीट के लिए भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि पीपल आर हैप्पी विथ सर्विसेज एंड रेट्स। दर्शकों, डॉक्टर विशाल सर ने मेडिकवर हॉस्पिटल के बारे में काफ़ी जानकारी हमें दी है और हम ये बताना चाह रहे हैं, जो भी तकरार आ रही है हमारे पास, अगर आपसे जैसा डॉक्टर विशाल सर ने बताया कि कोविड पेशेंट हो या नॉन कोविड पेशेंट हो, उनके कोई रेट फिक्स किया गया है, इसके ऊपर अगर कुछ बिल की तकरार होती है, कुछ आपकी समस्या है, तो आप आरोग्य जागृति संपर्क करें। हमारा कार्यालय आपको तो पता ही है, आरोग्य जागृति पे आप जो भी आपको लगता है, सिर्फ इतना हो कि किसी को बदनाम ना करें, हमारा ये होता है। अगर जीनियन आपका प्रॉब्लम है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं आरोग्य जागृति में। आप दर्शकों को फिर से हम एक बार बताना चाहते हैं कि मेडिकवर में काफ़ी फुल इक्विपमेंट्स के साथ में, पूरे डॉक्टर स्पेशलिटी के साथ में इनके पास टीम है और यहाँ पे आकर उपचार ले सकते हैं। धन्यवाद। आरोग्य जागृति।